सिंध के कई इलाकों की तरह रोहड़ी में भी तालिबात को मसाइल का सामना है। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अलीवाहन में 2002 से बिजली नहीं और बगैर फर्नीचर के सैकड़ों तालिबात फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। बिजली की सहूलत नहीं है और टीचर्स की भी कमी है, फर्नीचर की भी कमी है और बच्चों को देखो कि किस हाल में नीचे बैठे हुए हैं। स्कूल की इमारत बाहर से रंगो रोगन और क्लासरूम खंडरात का मंजर पेश करते हैं। खस्ता हाल छतें खौफ का आलम पेश कर रही हैं। यही नहीं, नन्नी मुन्नी तालिबात बिजली की बंदिश और शदीद गर्मी के बायस परेशान हैं। यहाँ छतें गिर रही हैं, यहाँ लाइट नहीं है। हम गर्मी में बैठ के घर से तालीम हासिल करने के लिए निकलते हैं, इधर बेंचे नहीं है, बिजली नहीं है, छत गिरती है। महकमा तालीम के अफसरान की अदम दिलचस्पी और निजाम की सुस्त रफ्तारी के बायस गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अलीवाहन और इस जैसे दीगर स्कूल आहिस्ता आहिस्ता भूत बंगले बनते जा रहे हैं। कैमरामैन बख्श अली फुलपोटो के साथ इमदाद बोजदार, 24 न्यूज़, सखर।